जैसा कि मैंने कहा था कि यार इसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट ना हो जाए, बट क्या करें यार, कंट्रोवर्सी तो होनी थी और वो हो गई। साउथ इंडिया में द फैमिली मैन सीजन 2 को लेकर बायकॉट की बात कर रहे हैं वहां पर, और उनके द्वारा, तमिल लोगों के द्वारा, द फैमिली मैन अगेंस्ट तमिल, ये जो टैग है वो ट्विटर पर ट्रेंड करवाया गया जब ये ट्रेलर रिलीज हुआ। और इसका रीजन जो है वो द फैमिली मैन सीजन 2 के अंदर ISI और लिट्टे को लिंक करके दिखाए गए हैं। लिट्टे जिसकी फुल फॉर्म है द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। वीडियो में आगे आने से पहले लिट्टे के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देता हूं, ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। ये बात थी श्रीलंका में, ये जो लिट्टे था वो श्रीलंका में ही बना था, क्योंकि वहां पर जब तमिल, जो इंग्लिश यानी अंग्रेज लोगों का शासन हुआ करता था, तो वहां पर ज्यादातर मेजोरिटी के अंदर श्रीलंका में बौद्ध और माइनॉरिटी के अंदर तमिल हिंदू रहा करते थे, और आज की डेट में भी वैसा ही हाल है। तो वहां पर जो तमिल जो लोग थे वो काफी ज्यादा एजुकेटेड थे और उनको गवर्नमेंट में काफी ज्यादा जगह मिली हुई थी, यानी हाईएस्ट से हाईएस्ट पोस्ट और लोवेस्ट से लोवेस्ट पोस्ट भी तमिल लोगों के पास ही थी, क्योंकि वो ज्यादा एजुकेटेड थे। लेकिन बुद्ध जो थे वो इतने एजुकेटेड ना होने के कारण उनकी जगह कम थी, और जब अंग्रेज वहां से छोड़ के गए तो यहां पर बुद्ध की ज्यादा मेजोरिटी होने के कारण ये जो बुद्ध जो लोग थे वहां पर सिंहले भाषा बोला करते थे, आज भी वो बोलते हैं। तो इन्होंने जैसे ही वो अंग्रेज छोड़कर चले गए, मेजोरिटी में बुद्ध होने के कारण यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इनके पक्ष में बनी, जिसके चलते इन्होंने अपनी सबसे पहले लैंग्वेज जो है वो सिंहले घोषित कर दी, नेशनल लैंग्वेज जो है वो सिंहले घोषित कर दी, जिसके चलते तमिल लोगों की जॉब चली गई, क्योंकि उनको नहीं आती थी, इंग्लिश आती थी उनको, इंग्लिश से सारा सिस्टम हुआ करता था, लेकिन ये जो लैंग्वेज चली, लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, जिसके चलते इनकी जॉब चली गई, और जो तमिल जो बच्चे हुआ करते थे उनको वहां पर हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं मिल रहा था, जिसके चलते वहां की जो, पहले तो बिल्कुल शांति से चीजें चल रही थी, विरोध चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप बनकर आए 1970s के टाइम में, कुछ ऐसे ग्रुप बन के आए जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ाई शुरू कर दी, और उन्हीं ग्रुप में से था एक लिट्टे नाम का एक ग्रुप, और जो लिट्टे के जो लीडर हुआ करते थे वेलुपिल्लाई प्रभाकरण, और इनकी जो आइडियोलॉजी थी, और जो यानी जो लिट्टे में जो लोग शामिल हुआ करते थे उनकी आइडियोलॉजी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उनको कोई भी अपने अधिकार नहीं, उनको बल्कि अपना एक सेपरेट नेशन चाहिए था श्रीलंका के अंदर। भारत ने भी शुरुआत में इस चीज को सपोर्ट किया था, और तमिलनाडु में उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे वो इस चीज को सपोर्ट किया करते थे, मतलब कि जो हथियार जाते थे तो उसको जाने दिया करते थे, कोई भी चेकिंग वैकिंग नहीं होती थी, ये सब चीजें चला करती थी। शुरुआत में तो भारत ने सपोर्ट किया, लेकिन बाद में श्रीलंका और भारत के बीच में डील हुई, जिसके चलते भारत ने अपनी सेना श्रीलंका में भेजी लिट्टे के खिलाफ, और फिर इसके बाद, इसके चलते जो राजीव गांधी, उनको असैसिनेट किया गया, और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे उनको भी असैसिनेट किया गया था। ये सब चीजें ऐसे चलते रही और 2003 में ये सब चीजें बंद हो गई। अब यहां पर जो है मैंने ये सब चीजें इसलिए बताई ताकि आप लोग इसको समझ पाओ, रिलेट कर पाओ कि ISI जो है वो लड़ रहा है धर्म को मतलब अपना बेस बनाकर, वो कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं, लेकिन जो लिट्टे जो था वो अधर्म के, वो धर्म के ऊपर नहीं लड़ रहे थे, वो अपने अधिकारों के खिलाफ श्रीलंका के गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे। और जो वेलुपिल्लाई प्रभाकरण थे, जो इनके लीडर थे, उन्होंने कहा भी था कि भाई जो ISI है वो बहुत खराब है, उन्होंने इसके खिलाफ वहां पर बात बोली भी थी। लेकिन इस सीरीज के अंदर ISI और लिट्टे को एक साथ काम करते हुए दिखाया गया, उनके बीच में लिंक बताया गया है, यहां पर टेररिस्ट के साथ काम करते हुए इनको दिखाया गया, तो ये बात जो है वो तमिलनाडु को, तमिलनाडु के जो लोग हैं, तमिल लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, और उन्होंने कहा है कि इससे जो है वो तमिलनाडु की जो छवि है वो खराब हो जाएगी, और लिट्टे को एक तरीके से ISI के साथ गलत लिंक किया जा रहा है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। तो ये सब चीजें चलते हुए भारत में, साउथ इंडिया में इसका विरोध चल रहा है, कंट्रोवर्सी इसके ऊपर हो रही है। पर ये तो अभी ट्रेलर के ऊपर है, वो तो सीरीज आने के ऊपर पता चलेगा इसमें एक्चुअल में क्या चीजें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, इसके ऊपर और बड़े पैमाने पर कंट्रोवर्सी होगी नहीं होगी, वो तो देखो यार जब ये सीरीज आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन ट्रेलर के ऊपर फिलहाल जो है ट्विटर के ऊपर यहां पर ट्रेंड कर चुका है इस ट्रेलर को लेकर। तो अगर आप लोगों के क्या विचार हैं तो वो प्लीज शेयर करना कमेंट बॉक्स में कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।